दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए रजा इंटीरियर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक लिविंग रूम जिसमें हमें टाइल से ऊपर यानी आधी दीवार पर हमें जो है पीवीसी पैनल इंस्टॉल करने हैं। पीवीसी पैनल इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कंडीशन पहले आप इस रूम की देख सकते हैं। ये पूरा रूम की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितने ज़्यादा जो सीलन वगैरह है वो इस रूम में आ रखे हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों जो आप वॉल देख रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, अभी कुछ दो वॉल पर हमने पैनलिंग जो है वो कर दी है, उसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ पैनलिंग किस तरीके से की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए मैंने पहले भी इस चीज़ को आपको वीडियो में बताया है कि जब भी आप वॉल स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको वॉल जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके पैनल जो है वो एक सिक्वेंस में लग पाएंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। सिक्वेंस बाई सिक्वेंस आप जो है वो इस पैनल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पैनलिंग जो है वो की जा रही है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो हमारी पैनलिंग की कटिंग है, पहले आप बिल्कुल प्रॉपर साइज़ लेंगे कि जो साइज़ है वो कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये मैं अभी पैनल जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा 53 इंच और 3 सूत का हमारा जो पैनल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब आपको जो साइज़ लेना है वो 53 इंच 3 सूत का पूरा साइज़ लेना है, क्योंकि अगर देखिए छोटा आप साइज़ लेंगे तो उसमें आपकी गड़बड़ जो है वो हो सकती है। लेकिन 53 इंच 3 सूत का अगर आप प्रॉपर पूरा साइज़ लेते हैं और वो बड़ा भी हो जाता है, जैसे यू में लगने के बाद में 1 सूत का जो है आपको अंतर दिखाई देता है, तो वो अगर अंतर आपका आ रहा है पैनल बड़ा हो रहा है तो उसको आप कटिंग जो है वो फिज़िकली कटिंग जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर पैनल आपका छोटा हो जाता है तो उस पैनल को आप बड़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो प्रॉपर साइज़ आपका आ रहा है तो उससे बिल्कुल भी कम आपको पैनल नहीं कटिंग करना है, पैनल को प्रॉपर साइज़ में कटिंग करना है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग मैंने करके और पैनलिंग जो है वो की जा रही है। तो दोनों तरीके से यहाँ पर आप पैनल लगा सकते हैं, स्क्रू का इस्तेमाल करके भी आप पैनल लगा सकते हैं, कील का इस्तेमाल करके भी आप पैनल जो है वो लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है, लाइफ टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मेन मैं आपको कील का एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ किस तरीके की कील आपको यहाँ पर लगानी चाहिए। दोस्तों जो गिट्टी वाली कील आती है जिससे आप अपने जो वायर वगैरह हैं वो रोकने के लिए जो गिट्टी लगाते हैं उनमें जो कील आती हैं, तो वो उस कील का जो है आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी अदर दूसरी कील जो है आपको यूज़ में नहीं लानी है, क्योंकि मतलब अगर आप देखिए 1 इंच की ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से कम की आपको जो कील है वो इस्तेमाल करनी है, उससे आपकी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी, कील मुड़ेगी नहीं और पैनल भी आपका टूटने में या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप पैनलिंग जो है वो करेंगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाली है। तो गिट्टी वाली कील का ही इस्तेमाल आपको करना है। और पैनल आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से आपको पैनलिंग जो है वो करनी है। आगे मैं वीडियो का टाइम लैप्स करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको टाइम लैप्स करके और वीडियो को पूरा दिखा देता हूँ, आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी किस तरीके से आपको पैनल लगाने हैं। लास्ट में वीडियो के अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा खर्च के बारे में भी आपको पता चलेगा कि इस तरीके की पैनलिंग करने में आपका जो है वो कितना खर्च आता है। ये जो पैनल हमारे लग रहे हैं ये ब्राउन कलर के पैनल हैं, लाइन वाले आप देख रहे हैं। तो अभी आप वीडियो को टाइम लैप्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा रूम हमने तैयार जो है वो कर दिया है। इसकी चारों वॉल पर हमने पैनलिंग की है, ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का पैनल जो है वो लगाया है, वो आप देख सकते हैं। और किचन के डोर के राउंड एरिया की जो कटिंग है वो भी आप देख सकते हैं। कॉर्नर वगैरह सारे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी फिनिशिंग के साथ में वर्क को किया गया है। ये मैं बिल्कुल क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ, पैनल किस तरीके से लगाए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चारों तरफ एक ही कलर के पैनल को यूज़ किया गया है। और ये जो पैनल लगे हैं दोस्तों, नीचे 5 फुट तक इस रूम में टाइल थी और टाइल के ऊपर 4.5 फुट तक जो है वो पैनलिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके की तरीके से किस तरीके से काम किया गया है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में मैं आपको काम को जो है वो दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर हमारा वर्क आपको पसंद आता है और अगर आप वर्क कराना चाहते हैं, पीवीसी पैनलिंग जो है वो अपने घर पर कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी हमसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप वॉल पर पीवीसी पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो 70 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप जो है अपनी वॉल पर पीवीसी पैनल इंस्टॉल करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने रूम का प्रॉपर साइज लेकर के आप उसको 70 रुपये पर स्क्वायर फुट से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने रूम का हिसाब जो है वो लगा सकते हैं कितना खर्च आपका आएगा। तो 70 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर हमें आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फॉलो करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो और भी नए नए कुछ अलग अलग डिज़ाइन जो होते हैं, तो बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम वहीं पर अपलोड जो है वो करते रहते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइन फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर जो है अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।